गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंटर की इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर का सिक्स पार्ट सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पांच नियम है। नियम नंबर एक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को आस्क्ड, क्वेश्चनड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। नियम नंबर दो है, कामास और इन्वर्टेड कामास को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड, इसको हिंदी में प्रश्न सूचक शब्द कहेंगे, का प्रयोग करते हैं। इफ, वेदर या दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। नियम नंबर तीन है, रिपोर्टेड स्पीच के इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में वाक की आवश्यकता के अनुसार बदल देते हैं। नियम नंबर चार, इनडायरेक्ट वाक के अंत में फुल स्टॉप, इसको हिंदी में पूर्ण विराम कहेंगे, का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। नियम नंबर पाँच, टेंस, इसको हिंदी में काल कहेंगे, प्रोनाउन, इसको हिंदी में सर्वनाम कहेंगे, और वर्ड्स ऑफ नियरनेस, इसको निकटता सूचक शब्द कहते हैं, में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। इसमें 8-10 एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है, शी सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, इसका इनडायरेक्ट होगा, शी आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। इसमें एग्जांपल नंबर दो है, ही सेड टू हर हु आर यू, इसका आंसर होगा, ही क्वेश्चन्ड हर हु शी वाज। एग्जांपल नंबर थ्री, दे सेड टू अस हाउ आर यू, इसका आंसर होगा, ही दे इंक्वायर्ड अस हाउ वी हैड बीन। एग्जांपल नंबर फोर, वी सेड टू देम वेयर डू यू लिव, इसका आंसर होगा, वी आस्क्ड देम वेयर दे लिव्ड। पांचवा एग्जांपल है, दे सेड टू हर व्हेन आर यू गोइंग टू कानपुर, आंसर होगा, दे क्वेश्चन्ड हर When they were going to Kanpur. छठवां नंबर, she said to them, how have they done this work? इसका आंसर होगा, she inquired them how they had done that work. सातवां नंबर, we said to him, why have you been crying for 1 hour? इसका आंसर हो जाएगा, we questioned him why He had been crying for 1 hour. आठवां एग्जाम्पल है, ही सेड टू अस हुज बुक वॉज देयर इन योर बैग, तो इसका आंसर हो जाएगा, ही इंक्वायर्ड अस हुज बुक देयर हैड बीन इन आवर बैग। नौवां एग्जाम्पल है, शी सेड टू हिम, वी सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा टू हूम, नहीं टू हूम वेर यू, इसको कुछ गड़बड़ हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर नाइन, सी सेड टू हिम टू हूम वर यू अब्यूजिंग यस्टरडे, इसका आंसर हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम टू हूम ही हैड बीन अब्यूजिंग द प्रीवियस डे। दसवां नंबर, ही सेड टू हर हाउ मच मिल्क हैड यू बॉट फॉर द फंक्शन, तो ही इस इन क्वेश्चन्ड हर हाउ मच मिल्क शी हैड बॉट फॉर द फंक्शन। एंड नेक्स्ट डे हम जो है इंग्लिश ग्रामर का सातवां पार्ट पढ़ाएंगे, और स्टूडेंट को जो भी हम पढ़ाते हैं इसमें ऑनलाइन वो कॉपी फेयर कॉपी में उतार लेना चाहिए जो